हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे नवल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए की ओर से कई प्रकार की वेरियस ग्रुप सी की वैकेंसी पोस्ट एक्टिवेट की गई थी, जिसकी एडमिट कार्ड एक्टिवेट हो चुकी है। अपने एडमिट कार्ड को आप किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे आपको लाइव प्रोसेस दिखाने वाले हैं। जिन भी कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टिंग में नाम आ चुका है वो अपने एडमिट कार्ड को चेक कर सकते हैं। थोड़ी सी इस वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको ये जानकारी हो जाएगी कौन सी ये वैकेंसी जारी किया गया था। ये भर्ती जो आपकी जारी की गई थी 31 दिसंबर 2022 को एक्टिवेट किया गया था, जिसकी लास्ट डेट 20 जनवरी 2023 थी। सभी कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं था। 18 से 27 वर्ष के कैंडिडेट इसमें आवेदन किए होंगे। टोटल 251 वैकेंसी पोस्ट एक्टिवेट की गई थी। इसमें आपको कई प्रकार की भर्ती जारी किया गया था, जिसमें आपको एमटीएस, एलडीसी, पेंटर और ड्राफ्टमैन, कुक और फायरमैन की भर्ती एक्टिवेट की गई थी। अगर आप अपना एडमिट कार्ड चेक करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एनडीए के ऑफिशियल पेज पे आना है, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये लिंक आप गूगल में भी सर्च करके इस पेज को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट। अपने एडमिट कार्ड को चेक करेंगे। एडमिट कार्ड के लिए आपको मेल आईडी पर 1 फरवरी 2023 को ही मैसेज सेंड कर दिया गया होगा। एडमिट कार्ड चेक करने के लिए आपको यहाँ बगल में ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक हियर टू अप्लाई या लॉगिन। आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट का लॉगिन नेम लिखनी है, इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड लिखना है, इसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड मिलेगा, आपको इस बॉक्स में लिखना है। सभी डिटेल्स को लिखने के बाद आपको लॉगिन का बटन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे। इसमें लॉगिन होते ही आपने जितना आवेदन फॉर्म अप्लाई किया है वो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। अपने डिटेल्स को यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म है। मैंने दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, फायरमैन और कुक के लिए। यहाँ पे वो पोस्ट शो हो रहा है। अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको बटन मिलेगा एडमिट कार्ड का, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एडमिट कार्ड शो हो जाएगी, जिसमें आपके डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना फोटो चिपकाना पड़ेगा। वेन्यू जो एड्रेस है आपको इस पते पे जाना पड़ेगा। डेट एंड रिपोर्टिंग टाइम जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगी, 23 फरवरी 2023 8 बजे है। फायरमैन के लिए हमने इसमें आवेदन किया है। रोल नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपकी डिटेल्स नीचे आपको शो होगी। नीचे करेंगे जिसमें इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जानी है, ओरिजिनल लेकर जानी है कि नहीं लेकर जानी है, आपका फोटो की साइज कितनी होनी चाहिए, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। आपके आईडी प्रूफ में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे पैन कार्ड हो गया या आधार कार्ड हो गया या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, ये आप लेकर जा सकते हैं एग्जाम में शामिल होने के लिए। इस एडमिट कार्ड को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करके प्रिंट कर लेना है, या तो आप इसे पीडीएफ में सेव करके रख सकते हैं। ओके गाइस, तो इस प्रकार से अपने एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप अपने एडमिट कार्ड को प्रिंट आउट करके आप एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल हमने एक और पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो उसका भी एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करके दिखा रहे हैं। ये कुक के लिए अप्लाई किया था। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कुक का ऑप्शन मिल रहा है, पोस्ट नेम, और यहाँ पे इसके रोल नंबर अलग है, और यहाँ पे आपको जाके एग्जाम में शामिल होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपने एडमिट कार्ड को आप चेक करेंगे। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि कोई सवाल होता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद।